17 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 का जिलाधिकारी मनीष बंसल ने एम वर्ल्ड स्कूल चंदोसी में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में क्षेत्राधिकारी चंदोसी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने वहां उपस्थित स्कूली छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के प्रति अपने परिवार तथा अपने आस पास के लोगों को जागरूक करने को कहा। ARTO डॉक्टर पी के सरोज ने बच्चों से कहा कि अपने माता पिता को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें और उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट एवं दो पहिया वाहन पर हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करें ताकि लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहें। जिलाधिकारी ने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया और उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे 16 वर्ष की आयु प्राप्त हैं तथा स्कूटी को चलाते हैं तो वे ध्यानपूर्वक अपना लर्निंग लाइसेंस अवश्य बनवा लें तथा स्वयं एवं परिवार के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करें तथा गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट एवं दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट के प्रयोग के लिए भी लोगों को जागरूक करें। और उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों के विषय में सभी को जानकारी होनी चाहिए तथा अपने आसपास की जानकारी होनी चाहिए। सड़क पर चलते समय कोई भी लापरवाही ना करें, यातायात के नियमों का पालन करें और लोगों को जागरूक करें। जिलाधिकारी ने यातायात के नियमों का 100% पालन करने हेतु छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत लोगों को जागरूक के लिए प्रचार वाहन को एम वर्ल्ड स्कूल परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 17 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाना है और इसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर एम वर्ल्ड स्कूल में चंदौसी में स्कूल के बच्चों को जागरूक करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस पखवाड़े की शुरुआत की गई है और कुछ जागरूकता वाहन भी चलाए गए हैं जिनको जो जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इसमें सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो काफ़ी संवेदनशीलता से काम कर रही है और कोशिश यह है कि आने वाले समय में जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं और उससे होने वाली मृत्यु या अन्य दुर्घटना जो लोग इसमें दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उसकी संख्या को कम किया जा सके, इसके लिए कई स्तरों पर काम भी किया जा रहा है। चाहे वो सड़क की क्वालिटी और उसकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करना हो या फिर लोगों के अंतर्गत जो वाहनों को लेकर जो सुरक्षा नियम है उनके अनुपालन को लेकर उनमें जागरूकता फैलाना हो। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से आज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। मेरा सभी संबल जनपदवासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक सुरक्षा अपनाते हुए अपने वाहन चलाएं और अपने को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।